हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। मैं हूं आपका कपिल सर और आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम की टाइप सेकंड के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली टाइप में आपने ये सीखा था कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैसे सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने किए, तो दो पार्ट उसके ऑलरेडी बन चुके थे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है टाइप सेकंड के क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको अलग अलग फिगर्स दी गई होंगी, अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर्स, जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इस तरीके की फिगर दी गई होगी और उन फिगर के अंदर कुछ पोर्शन जो है उनके कुछ नाम दिए गए होंगे, या तो उसमें आपको लेटर्स दिए गए होंगे। ये देखिए ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल वगैरह ये दिया हुआ और इसमें देखिए लेटर्स दिए गए हुए हैं, उन पोर्शंस के पर्टिकुलर जो हिस्से हैं उनके नाम दिए गए हैं। और यहाँ तो आपको लेटर्स दिए गए होंगे उन पर्टिकुलर पोर्शंस पे, जैसे कि यहाँ पे 3, 10, 6, 12, 14 कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर्स के। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो आपके JK बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम हो, चाहे वो JKSSB क्लास 4 के एग्ज़ाम हो, मे बी यहाँ से क्वेश्चंस आपको आ जाए। तो चलिए इन क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक फिगर के पर्टिकुलर नाम दिए गए होते हैं और बताया गया होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल जो दी गई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ऑलरेडी आपको बताया गया होगा कि ट्रायंगल को यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं या इंजीनियर बोलते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। क्वेश्चन में आपको जैसे कि ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, तो आपने ये मानना कि ट्रायंगल के अंदर जो भी चीजें दी गई हुई हैं, जो भी लेटर्स, जो भी नंबर, जो भी पोर्शन दिया गया है वो सारे क्या है, डॉक्टर्स हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहां पे आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर रिप्रेजेंट्स यंग पर्सन, तो यानी कि ये जो स्क्वायर वाली फिगर है, ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है यंग पर्सन को, यानी कि इसके अंदर जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं या लेटर्स दिख रहे हैं वो क्या है, यंग पर्सन। तो यहां पे आपको इसके अंदर कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो DCFG, तो ये सारे क्या है, यंग पर्सन। और डॉक्टर के अंदर क्या क्या आ रहा था, ABC और D, तो ये ट्रायंगल के अंदर थे ना, तो इसलिए ये सभी क्या है, डॉक्टर्स। और यंग कौन कौन से हैं, DCFG, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर सर्कल रिप्रेजेंट्स रूरल पीपल, तो यहां पे बताया हुआ है कि जो रूरल आदमी है, गांव में रहने वाले आदमी हैं, वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, सर्कल। तो यानी कि सर्कल के अंदर जो भी लेटर्स या नंबर या सिंबल कोई भी लाई करता होगा वो क्या होगा, रूरल पीपल। तो देखिए सर्कल के अंदर कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं, देखिए BC, F और E, तो ये सारे के सारे क्या हैं, चार के चार रूरल पीपल। इज दैट क्लियर। डायग्राम को अच्छे से देख लेना है कि किसको क्या रिप्रेजेंट, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हर डायग्राम किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती होगी, ट्रायंगल डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और स्क्वायर यंग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल रूरल पीपल को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फाइंड द पोर्शन, आपने ऐसा पोर्शन यानी कि एक ऐसा हिस्सा यहां से फाइंड करना है दैट रिप्रेजेंट्स यंग डॉक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है यंग डॉक्टर्स को, यानी कि डॉक्टर होने चाहिए लेकिन कौन से, यंग डॉक्टर्स दैट लिव इन रूरल एरियाज। तो आपने ऐसा पोर्शन निकालना है जो क्या हो, यंग डॉक्टर्स होने चाहिए और कहां रहते होने चाहिए, रूरल एरिया में होने चाहिए वो, ठीक है। यानी कि आपने देखना है यंग डॉक्टर एंड लिविंग इन रूरल एरियाज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वन बाय वन इनको जोड़ते जाना है। आपको तो डॉक्टर पता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डॉक्टर किसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर, लेकिन क्वेश्चन बोलता है आपको कौन से चाहिए, यंग डॉक्टर,
ठीक है। अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो यहां पे तो ए बी सी डी ट्राइंगल के अंदर यही चार लेटर्स हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन आपको चाहिए यंग डॉक्टर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है यंग डॉक्टर। अब यंग कौन कौन से हैं, वो तो ये सारे के सारे हैं, डी सी एफ और जी, बट आपको चाहिए यंग और डॉक्टर, यानी कि जो यंग में भी कॉमन हो और डॉक्टर में भी कॉमन हो, यानी कि जो यंग भी हो और डॉक्टर भी हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए सी और डी, ये देखिए ये यंग के अंदर आ रहा, देखिए सी और डी, और ये देखिए डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है सी और डी। तो यानी कि सी और डी जो है वो क्या है, यंग भी है और क्या है, डॉक्टर भी है। तो आपके पास यंग और डॉक्टर जो है वो आ गया सी और डी। इतना क्लियर हो गया कि यंग डॉक्टर कैसे फाइंड करना है, जो यंग में भी हो और डॉक्टर वाले पोर्शन में भी हो, जो दोनों में कॉमन हो वो क्या होंगे, यंग भी और डॉक्टर भी। तो सी और डी इसका निकल गया। आगे बोल रहा है क्या, यंग डॉक्टर तो होने चाहिए डैट लिव इन रूरल एरियाज, तो यानी कि जो कहां पे रहते हो, रूरल एरियाज में। तो यानी कि हमें यंग डॉक्टर तो देखने हैं, लेकिन वो वाले देखने हैं जो रूरल एरियाज में रहते हो। तो रूरल एरिया कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, सर्कल। तो हमने यंग डॉक्टर में से वो लेने हैं जो कि रूरल एरिया में लाई करते हो। सी और डी में कौन सा सर्कल के अंदर आ रहा है, कौन सा रूरल एरिया के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है देखिए सी, देखिए सी किसके अंदर है, सर्कल के अंदर। तो ये वो पोर्शन है यंग डॉक्टर का जो कि रूरल एरिया में यानी कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो वो कौन सा है, सी। देखिए डी सर्कल से बाहर है, ये यंग है, डॉक्टर है, बट रूरल एरिया में नहीं रहता। लेकिन सी जो है यंग है, डॉक्टर है, बट लिविंग इन रूरल एरिया, सर्कल के अंदर है, तो इसलिए सी इज द आंसर। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपकी, सी। क्लियर हो गया कि कैसे डायग्राम्स को देखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए यहां पे फाइंड द पोर्शन, ऐसा पोर्शन निकालो दैट रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, यानी कि जो क्या हो, डॉक्टर्स होने चाहिए लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी कि डॉक्टर होने चाहिए कहां पे रहते होने चाहिए, रूरल एरिया में। यानी कि आपने डॉक्टर देखने हैं कौन से, जो रूरल एरिया के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने डॉक्टर्स देखने हैं, तो डॉक्टर तो आपको पता है जो ट्राइंगल के अंदर जो भी हैं वो सारे डॉक्टर हैं, लेकिन हमने वो वाले डॉक्टर लेने हैं जो क्या हो, लिविंग इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो जो किसके अंदर आते होने चाहिए, सर्कल के अंदर आने चाहिए। तो वो कौन से हैं डॉक्टर, डॉक्टर तो ए बी सी डी है, लेकिन ए बी सी डी में कौन से हैं जो रूरल के अंदर आ रहे हैं, सर्कल के अंदर आ रहे हैं, वो है एक बी और एक सी। देखिए बी और सी सर्कल के अंदर है ना, तो इसलिए बी और सी वो वाले डॉक्टर्स हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं। तो आपका आ गया बी और सी, ठीक है। बट आगे क्या बोल रहा है, बट और नॉट यंग, बट वो क्या होने चाहिए, यंग नहीं होने चाहिए। यानी कि बी और सी में से जो आपके डॉक्टर हैं रूरल एरिया में रह रहे हैं वो यंग नहीं होने चाहिए। तो यंग कौन से होते हैं, जो स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। बी और सी में कौन सा स्क्वायर के अंदर आ रहा है, सी, बट आपको वो लेना है जो सी में नहीं आता, जो कि यंग नहीं है, तो वो कौन सा आ गया, बी। तो इसलिए नॉट यंग वाला, यानी कि बी इज द आंसर। तो ऑप्शन में देखना है बी कौन सा, ये दिस इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। पूछ रहा है फाइंड द पोर्शन, ऐसा पोर्शन निकालिए दैट रिप्रेजेंट्स पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, यानी कि हमने वो आदमी लेने हैं जो कि रूरल एरिया में होंगे। तो यानी कि सबसे पहला काम हमने किनको देखना है, रूरल एरिया वाले, यानी कि कौन से, ये वाले सर्कल के अंदर जो है, क्योंकि सर्कल के अंदर जो भी हैं वो कौन से हैं, रूरल एरिया वाले। तो कौन से हैं, बी सी ई और एफ। अब आगे हु आर नाइदर डॉक्टर, हमने रूरल एरिया के तो देखने हैं, ठीक है, यानी कि हमने बी सी ई और एफ को तो देखना है जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं, बट वो ना ही डॉक्टर होने चाहिए, हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर यंग, यानी कि जो ना ही डॉक्टर हो और ना ही यंग हो। तो यानी कि हमने वो देखने हैं जो कि ना ही ट्राइंगल के अंदर होने चाहिए और ना ही यंग, यानी कि आपके स्क्वायर के अंदर होने चाहिए। तो यानी कि इनमें से कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि ना ही डॉक्टर हैं, यानी कि ना ही ट्राइंगल के अंदर हैं, और ना ही यंग के अंदर, यानी कि ना ही स्क्वायर के अंदर। तो बी सी ई एफ में कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको,
जो ना ही ट्राइंगल के अंदर है और ना ही स्क्वायर के अंदर है, वो है ई। तो ई इज द आंसर। तो ऑप्शन में क्या है? ई, ये पहली ऑप्शन है इसकी। क्लियर हो गया? तो चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने वो वाली फिगर ली है जिसमें कुछ नंबर का यूज किया हुआ है, बट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से निकालना है। यहाँ पे मैंने डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने जस्ट आपको ऐसे ऐसे ही लिख दिया, डायग्राम के नाम मैंने डाल दिए हुए हैं, तो इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये कौन से हैं? पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। और ये जो सर्कल जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्बन एरिया को, ठीक है। और ये जो है आपका रेक्टेंगल शेप, ये है मेल, यानी कि जो इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा वो क्या होंगे? मेल। और ये जो है आपका ट्राइंगल, इसके अंदर क्या है? एजुकेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया? स्क्वायर के अंदर जो पोर्शन है उसको बोलेंगे पब्लिक सर्वेंट, सर्कल के अंदर जो आएगा वो होंगे अर्बन एरिया के अंदर रहने वाले, और रेक्टेंगल के अंदर जो चीजें दी हैं वो सारे क्या है? मेल हैं, ठीक है। और ट्राइंगल के अंदर जो चीजें हैं वो सारी क्या है? एजुकेटेड, यानी कि पढ़े लिखे। अब क्वेश्चन कैसे निकालना है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि बताया हुआ कि जो नीचे दी गई ऑप्शन है, हाउ मैनी एजुकेटेड मेल्स। आपने क्या देखना है? एजुकेटेड देखना है, और किनको देखना है? मेल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेटेड मेल्स फाइंड करने हैं आपको, यानी कि आपने मेल देखने हैं। मेल कौन से होंगे? जो इस रेक्टेंगल के अंदर हो, लेकिन कौन से चाहिए? एजुकेटेड मेल, यानी कि एजुकेटेड वाले देखने हैं, जो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे कौन से होंगे? जो सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेल तो बहुत सारे होंगे, देखिए क्या है, 12 भी है, 14 भी है, 6 भी है, 13 भी है, 4 भी है और 11 भी है, लेकिन आपको कौन से चाहिए? एजुकेटेड वाले, यानी कि जो किसके अंदर है? ट्राइंगल के अंदर है। तो वो कौन से दिख रहे हैं? 4 और 11। तो मैं क्या ले लूंगा? 4 और 11। पहला काम ये इधर खत्म हो गया। आगे लाइन पढ़ो, डोंट लिव इन अर्बन एरिया, यानी कि जो अर्बन एरिया में नहीं रहते हो, यानी कि जो सर्कल में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अर्बन एरिया कौन सा है? सर्कल वाले है ना, तो बोलो वह डोंट लिव इन अर्बन एरिया, जो कि अर्बन एरिया में नहीं रहते हैं, जो सर्कल के अंदर नहीं होंगे। तो वो कौन सा दिख रहा है आपको 4 और 11 में, जो सर्कल में नहीं है? 4 तो सर्कल के अंदर है, लेकिन 11 सर्कल के बाहर है, इसलिए हमने वो देखना है जो सर्कल के अंदर नहीं है। पूछा हुआ है डोंट लिव इन द अर्बन एरिया, तो इसलिए 11 इज द आंसर, ठीक है गाइस। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, नीचे दी गई ऑप्शन में हाउ मैनी एजुकेटेड मेल, यहां पे एजुकेटेड मेल है, ठीक है। तो एजुकेटेड मेल में फिर वही आ गए आपके, कौन कौन से? यानी कि जो एजुकेटेड हो, यानी कि ट्राइंगल के अंदर हो, और मेल यानी कि जो आपके रेक्टेंगल के अंदर भी हो, तो वो कौन से हैं? वही 4 और 11। इतना क्लियर हो गया। आर लिविंग इन अर्बन एरिया, यानी कि जो अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हो, तो अर्बन एरिया के अंदर कौन से होंगे? जो कि सर्कल के अंदर लाई करते हो। तो 4 और 11 में कौन सा है जो सर्कल के अंदर है? वो तो 4 ही है, क्योंकि 11 सर्कल से बाहर है। तो 4 इज द आंसर, तो इसमें ये आपका आंसर। सो गाइज, इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो आप प्लीज़ इनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी मटेरियल भी हम बना रहे हैं, बहुत ही जल्द हम नोटिफिकेशन लेके आएंगे कि जो हमने स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है गाइज। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।